पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों को लेकर शिवसेना ने ओवैसी को घेरा, बताया भाजपा का अंडरगारमेंट। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में आज आरोप लगाया है कि ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुसलमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी देश में भारतीय जनता पार्टी की सफल यात्रा के पर्दे के पीछे के सूत्रधार हैं। इतना ही नहीं, शिवसेना ने ओवैसी को बीजेपी का अंडरगारमेंट बताया है। शिवसेना ने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी भाजपा के लिए काम करते हैं, बीजेपी की सफलता के पीछे ओवैसी की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसी कारण राज्य में जाति और धार्मिक दुश्मनी फैलाई जा रही है। सामना में शिवसेना ने कहा है, दो दिन पहले प्रयागराज में लखनऊ जाते समय रास्ते में ओवैसी के समर्थक जमा हो गए और उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। बीते दिनों उत्तर प्रदेश में ऐसे मामले सामने नहीं आए, अब राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं, ओवैसी पहुंचे हैं, वो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, अपने निरंकुश समर्थकों को भड़काते हैं और फिर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया जाता है। सामना के संपादकीय में शिवसेना ने लिखा है कि मुसलमान इस देश के नागरिक हैं और उन्हें देश के संविधान का पालन करते हुए ही अपना मार्ग बनाना चाहिए। ऐसा कहने की हिम्मत जिस दिन ओवैसी में आएगी, उस दिन ओवैसी को राष्ट्र नेता के रूप में प्रतिष्ठा मिलेगी। आज ओवैसी की सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, इसके पीछे भी राजनीतिक सूत्र ही हैं, फोड़ो तोड़ो और जीत हासिल करो। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। रविवार को उन्होंने कानपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में मुसलमानों के हालात ठीक वैसे ही हो गए हैं जैसे कि शादी में बैंड बाजा पार्टी की होती है, जिन्हें पहले गाना बजाने के लिए कहा जाता है और फिर विवाह समारोह में एंट्री नहीं दी जाती। उन्होंने आगे कहा है कि अब मुसलमान हारमोनियम पर साज नहीं निकालेगा, हर जाति का अपना एक नेता है लेकिन मुसलमानों का कोई भी नेता नहीं है। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की जनसंख्या 19% है लेकिन एक सिंगल लीडर नहीं है। उन्होंने आगे कहा है कि मुसलमानों को एक होकर वोट देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, लाइक करें फेसबुक पर और ज्यादा जानकारी के लिए नेशनल खबर की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ नेशनल खबर।